At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के सीतापुर में सीएम और डीएम के निर्देश बौने साबित हो रहे हैं। जिम्मेदारों द्वारा मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों को ठेंगा दिखाया जा रहा। सीतापुर की बाढ़ प्रभावित तहसील महमूदाबाद क्षेत्र के अधिकतर गांवों में पशुओं का टीकाकरण अभी तक नहीं किया गया है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके में घाघरा और शारदा नदियां धीरे धीरे विकराल रूप धारण करने लगी हैं। बाढ़ का पानी नदियों से निकलकर आसपास फैलने लगा है। ऐसे में अब पशुओं का टीकाकरण कैसे होगा, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बता दें कि बाढ़ आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित इलाकों में पशुओं का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए थे। 4 जुलाई को नवागत जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बाढ़ और कटान प्रभावित तहसील लहरपुर क्षेत्र का भ्रमण किया था। इस दौरान जिलाधिकारी ने भी पशुओं का टीकाकरण करवाने के साथ ही उनके भरण पोषण के लिए चारे की व्यवस्था किए जाने के निर्देश पशुपालन विभाग को दिए थे। लेकिन अभी तक बाढ़ प्रभावित इलाके में अधिकतर गांव ऐसे हैं जहां पशुओं का टीकाकरण नहीं किया गया और न ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए। आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्र ने ब्लॉक रामपुर क्षेत्र के कई गांव का भ्रमण कर टीकाकरण की हकीकत जानी। आई इंडिया ने भ्रमण के दौरान पाया कि अखरी के 3 मजरे, ग्राम पंचायत कनरखी के 20 मजरे, ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा के 13 मजरे, ग्राम पंचायत केकड़ा के 3 मजरे, ग्राम पंचायत अटौरा के 11 मजरे, ग्राम पंचायत भगस्ती के 10 मजरे, जिसकी कुल 25,000 से ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पर अभी ना तो टीकाकरण हुआ है ना ही दवा का वितरण किया गया है। आई इंडिया से देशराज पुरवा की ग्रामीण क्या बोले, आइए उसे भी सुन लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं दुर्गेश मिश्रा। आज हम मौजूद है जनपद सीतापुर के विकास खंड रामपुर मथुरा क्षेत्र के बाढ़ क्षेत्र प्रभावित इलाका देशराज पुरवा, ग्राम पंचायत अखरी पड़ती है। और हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, ग्रामीण जो हैं वहाँ की यहाँ के मौजूद हैं। हम इनकी स्थिति जानेंगे कि ये जो यहाँ के जानवर हैं इनका टीकाकरण और अन्य मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि चारे पानी की व्यवस्था जब बाढ़ आ जाती है, और क्या क्या इनके सामने समस्याएँ रहती हैं, कौन कौन सी मजबूरियाँ रहती हैं जब बाढ़ आती है, क्या क्या इन सबको दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, ये हम जो ग्रामीण हैं इन्हीं के जुबानी से जानते हैं। आपको हम जानकारी ले लें। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम हृदयराम। जब बाढ़ आती है जी, तो बाढ़ में कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं होती हैं? अब यह सरकार जाने जो देख चाहिए, यहाँ तो कोनो नहीं सुविधा हो रहा है। जो सुविधाएं मतलब जो आपको यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतें कौन कौन सी होती हैं? दिक्कत यह है कि पहली बात तो रोड देखो गाँव की कितनी खतरे के रहे। जानवरों के लिए कोई व्यवस्था ना है, टीकाकरण नहीं हो सकता है, ना मनाइन के कोई आज तक टीका लगा है। ये तो पूरा मान ले बिल्कुल पछड़ा हुआ है। दवा सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन यहाँ के आदमी नहीं पहुंचे। हम आपके पास आएंगे। क्या नाम है दादा आपका? चंद्र प्रकाश। क्या क्या दिक्कतें हैं बताइए? यहाँ बहुत दिक्कत है, जैसे कि अब जानवर के टीका उका नहीं लगा और रोड है ये है गड़बड़ है, कुछ न बटे न दवा न पानी न लड़का न बच्चन। रामपुर आवे जाए के लिए इधर रास्ता देखो कितन की है, हैं कि रास्ता में है ना निकल पावे कोई वाहन। अब कोई बीमार हो जाए रात बिरात तो या तो रामू प्रधान के वहाँ तक लेके जाओ रोड पर, तब वहाँ कोई वाहन नहीं आते, कोई वाहन ही नहीं पहुँचा थे। हाँ बड़ी दिक्कत है, हैं हरहान के चारा पानी भी दिक्कत है, बाढ़ में है कहाँ से निकाल आवा जाए, इधर से बाढ़े हो जाते। अब इधर हमारे साथ मौजूद है अन्य ग्रामीण। क्या नाम है आपका दादा? संतोष। क्या समस्या है इसमें, जो टीकाकरण हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। जानवरों का टीकाकरण और जो दवा वितरित की जाती है, कोई चीज यहाँ नहीं है अभी तक, सब बिल्कुल साफ। हाँ, कोई चीज नहीं, ना तो टीकाकरण हुआ ना दवा वितरित हुई। हाँ, कोई चीज नहीं, सारी चीजें साफ हैं। साफ है। जैसा कि हमारे साथ अन्य भी ग्रामीण मौजूद हैं, आप आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? नितेश शुक्ला। ये बताइए, हम एक जानकारी चाहेंगे, जब बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो कौन कौन सी, सबसे ज्यादा जो परेशानियां होती हैं वो जानवर और या आपके लिए क्या क्या होता है? सबसे बड़ी परेशानी रास्ता 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 नहीं।
अच्छा, उसके बाद में? उसके बाद में चारा पानी यही सब दिक्कतें, और कौन दिक्कत। रास्ता कहाँ से कहाँ तक खराब है? रास्ता हमारे गांव से लेके आगे प्रधान जी के घर तक। अच्छा, हाँ। और इधर अखरी की तरफ? अखरी तरफ तो खराब है ही, अखरी तरफ तो खराब है ही। ये रास्ता है घर जाने के लिए, देख लो रास्ता का हाल देख लो। जैसा कि देख रहे हैं जो हमारे साथ ग्रामीण है, उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर अभी तक ना तो जानवरों का टीकाकरण हुआ है और ना ही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दवा वितरित की जाती है, जो बचाव के लिए दवा वितरित की जाती है, वो अभी तक दवा भी नहीं वितरित की गई है। और कुछ जो यहाँ के ग्रामीण है वो बताते हैं कि यहाँ पर देखने के लिए जो जो डॉक्टर पशु चिकित्सा अधिकारी हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक हैं, उनके स्टाफ या उनके द्वारा कभी भी देखभाल नहीं की जाती है, ना ही कोई इन लोगों को दवा दी जाती है और ना ही कोई समस्या इनकी निस्तारित की जाती है। आई इंडिया के लिए कैमरामैन सोनू के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।